हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे यूआई लेयर। तो आपने जैसे डेफिनेशन में देखा होगा कि रिएक्ट जेएस है वो यूआई लेयर पर काम करता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है इस वीडियो में हम डीपली समझेंगे। तो साथ ही में आपने एक और देखा होगा कि यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो क्या होता है। तो अगर मैं इस टाइम पे उसको समझाऊंगा ना तो थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम आ सकता है समझने में। तो कॉम्पोनेंट जैसे हम पढ़ेंगे ना उसके बाद में मैं आपको और डीपली समझाऊंगा यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो क्या होता है। तो अभी फिलहाल इस वीडियो में हम देखेंगे यूआई लेयर, जो कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। तो फॉलोइंग क्वेश्चंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्या क्या पूछा जा सकता है। व्हाट इज यूआई लेयर, व्हाट डू यू मीन बाय यूआई लेयर, कैसे काम करता है यूआई लेयर, या फिर वो पूछ सकता है प्रोजेक्ट क्या है और प्रोजेक्ट लेयर्स क्या होता है, और साथ ही में पूछ सकता है पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट लेयर्स, या फिर डिटेल में बताओ प्रोजेक्ट लेयर के बारे में। तो ये सारे जो भी क्वेश्चंस है ना तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम प्रोजेक्ट क्या होता है। प्रोजेक्ट को आप सिंपली कह सकते हैं कि ये एक ई सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो अभी हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट क्रिएशन कैसे होता है, हम प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। सिंपली ये कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं है। अगर आपको और अच्छे से प्रोजेक्ट क्रिएशन के बारे में जानना है तो आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोई भी एक ट्यूटोरियल देख सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर मैं आसान उसमें बताऊंगा कि प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट होता है। सबसे पहले हमारे पास होती है प्लानिंग, उसके बाद में हम टूल्स और टेक्नोलॉजी को सेलेक्ट करते हैं और फिर हम उस प्रोग्राम को या फिर प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो इसमें क्या है, हमारे पास दो मोड होते हैं। तो यहाँ पर मोड्स होते हैं प्रोजेक्ट के। अगर हम जो है एज अ कंपनी में या फिर इंडिविजुअल कर रहे हैं तो वो डेवलपमेंट मोड में होता है। इसके बाद में हम क्या करते हैं, उस प्रोजेक्ट की टेस्टिंग करते हैं। अगर टेस्टिंग सक्सेस होती है तभी हम उसको प्रोडक्शन मोड में भेजते हैं। प्रोडक्शन मोड का मतलब क्या है कि हम इसको सर्वर पर डिप्लॉय करते हैं या फिर क्लाइंट को हैंड ओवर कर देते हैं उसका प्रोजेक्ट। समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रोजेक्ट क्रिएशन होता है। ये कोई ज्यादा बड़ी डेफिनेशन नहीं है, ये बहुत ज्यादा है। अगर आप इसको डीपली समझना चाहते हैं तो इसके लिए क्या कहेंगे, अलग से पूरा सिलेबस है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, क्योंकि इस रिएक्ट जेएस की सीरीज में हमको समझने की जरूरत है नहीं। सिंपली हमको क्या करना है, अगर कोई पूछता है तो इतना सारा भी एक्सप्लेन कर दिया ना तो इतना काफी है। प्रोजेक्ट में क्या होता है, पहले प्लानिंग होती है, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, फिर उसका एग्जीक्यूशन देखा जाता है। तो एग्जीक्यूशन में आप क्या कर सकते हैं, कॉस्ट भी लिख सकते हैं या फिर बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे मोड्स बोलेंगे, यहाँ पे डेवलपमेंट मोड रहता है, फिर टेस्टिंग, और फिर हम उसको प्रोडक्शन पर भेज देते हैं, यानी कि डिप्लॉय कर देते हैं। अब बात करते हैं हम यूआई लेयर, यानी कि प्रोजेक्ट के लेयर्स की। तो देखिए प्रोजेक्ट लेयर तीन टाइप की रहती है। अब ये तीन लेयर्स में डिवाइड होता है एक प्रोजेक्ट। तो ये हमारा मेन टॉपिक है, तो इसे अच्छे से समझे आप। सबसे पहले होता है हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर। तो ये हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर, जिसको कहते हैं यूआई लेयर। इसके बाद में आता है बिजनेस प्रोसेसिंग लेयर, और थर्ड पे है डेटा परसिस्टेंस लेयर। तो अब इन तीनों का मतलब क्या है, देखिए यूआई मतलब क्या है, यूजर इंटरफेस, जैसे कि आप समझ सकते हैं प्रेजेंटेशन लेयर भी लिखा है। तो इसके अंदर होता क्या है, हमारे पास जो है जितने भी फ्रंट एंड से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज है उसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि रिएक्ट जेएस। तो ये यूआई लेयर पर काम करता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ फ्रंट एंड पर काम करेगा। अब बिजनेस प्रोसेसिंग लेयर्स के लिए हमको क्या करना पड़ता है, दूसरी टेक्नोलॉजीज पर डिपेंड करना पड़ता है, जैसे कि पीएचपी, नोड, ASP.NET, जावा और एंगुलर सर्विसेज भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और डेटा परसिस्टेंस का मतलब होता है कि हमारे जितने भी डेटाबेसिस होते हैं उसको हम डेटा परसिस्टेंस लेयर में ऐड करते हैं। तो ये तीन लेयर जो है वो एक कंप्लीट एप्लीकेशन बनाने के लिए जरूरी होती है। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोजेक्ट लेयर्स क्या होती है तो आप इन तीन को बोल सकते हैं, यूआई लेयर या फिर प्रेजेंटेशन लेयर उसे कह सकते हैं, फिर बिजनेस प्रोसेसिंग लेयर और डेटा परसिस्टेंस लेयर। तो आई होप आपका लेयर्स का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो यूआई लेयर क्या है, अगर आपसे कोई पूछता है तो आप इसको सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये वाला पार्ट, सिंपली आप ये वाला पार्ट इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ओनली फ्रंट एंड को हैंडल करता है, यानी कि इसमें हमारा HTML, CSS, यानी कि व्यू से रिलेटेड जितना भी रहेगा ना तो वो यूआई लेयर कवर करता है। स्टिल हमको अगर कुछ सर्वर साइड पर करना है
या इंटरेक्शन करना है तो उसके लिए हमको अदर टेक्नोलॉजीज पर डिपेंड करना पड़ता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे वर्चुअल डॉम के बारे में, वर्चुअल डॉम होता क्या है।